हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन के गाइडेंस। तो आप इस वक्त अगर इंट्यूटिव हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये एक साइन है। एंड मैं मानता हूं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए आपको एक लड़का और लड़की नहीं होना पड़ेगा। अगर आप यू नो इंट्यूटिव हो, अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के आने के लिए वेट कर रहे हो और यू नो आप स्पिरिचुअलिटी पे इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। और ये रीडिंग आपके लिए है कि इस वक्त आपको क्या जानना चाहिए रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। सो इंट्यूटिवली ले लीजिएगा, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और मेरा मानना है कि मेरे चैनल पे जो मल्टीपल गाइडेंस अपलोड मैं करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। हर टाइम का एक अलग अलग स्टोरी रहता है, हर टाइम का एक अलग अलग एनर्जी रहता है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको परिचित करवाना हर टाइम के हर एनर्जी के साथ, और इसीलिए हर वक्त मैं जो भी इंट्यूशंस आते हैं वो डाउनलोड्स आपके सामने लेके आता हूँ। आई होप कि इस रीडिंग भी आप लोगों के लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेके आएंगे एंड एट द सेम टाइम बहुत नए तरीके से आपको मदद करेंगे अपने लाइफ जीने के लिए। सो लेट्स सी। और यहाँ पे डिवाइन टिकट्स भी देखेंगे, डिवाइन क्लू भी फॉलो करेंगे एंड साथ ही साथ कौन से एनर्जी आपके ऊपर हावी है ये हम देखेंगे। तो चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी धर्म के अंदर हो, कोई भी कम्युनिटी से अंदर हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोगर्भबामर्धोकर्णं भुजं अभयं बड़दं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं सेवं तथा चैव दिगंबरीं कण्ठवसक्तमण्डलिकलदरुद्रचर्चितं कर्णावतं सततीनतशुभोजिगोवैनकं गृहदृष्टं कल्लषं तिनिनतिपैदनं सवनं करसङ्गातेकितुकच्छस्मुखं शुक्रदयाकलकृतारविष्पुरितनं गुरुभयं मार्दंसुनय वासिनं बालार्कमण्डलाकालोचनत्रयमृतं दन्तरं दक्षिणवैपिलमुवनगजजयं स्वरूपं महादेवहृदयपरिसंस्थं शिवाभिगुरुरावाभिचतुर्दिक्समन्वितं महाकालिनेश सर्वं बिभ्रद तादरं सुकुवसनवदनं सेनारं सर्वं एवं सञ्चितैत्कालिधमकमर्थमुखदं क्रीं 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 हुं हुं क्रीं हुं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं क्रीं हुं स्वाहा क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं हुं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं हुं स्वाहा क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं हुं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं हुं स्वाहा। लेट्स सी माँ डिवाइन फेमिनाइन, जो इस वक्त वेट कर रहे किसी पर्सन के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हो? डिवाइन फेमिनाइन के लिए मेरे जो जो व्यूअर्स डिवाइन फेमिनाइन हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हो? इंट्यूटिव व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस, क्या मैसेज आप कर रहे हो? डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस, क्या मैसेजेस, क्या मैसेजेस, क्या मैसेजेस, क्या मैसेजेस आप करना चाहते हो? मैं और दो शफल करूँगा, उसमें से अगर कोई कुछ कार्ड्स आएगा तो ठीक है, नहीं तो उस कार्ड्स को मैं अलग करके रख दूँगा। ओके ओके फाइन। ओ वाओ, सो यहाँ पे ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी है। ओके ओके ओके, बहुत बहुत ही ज़्यादा हैवी कनेक्शन। ओके 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 ठीक है। सो मेरे को ऐसा मुझे लग रहा है, कालाग्नि रुद्रा काली माँ आपको पहले ही एक चीज़ बोल रहे कि इन्वोक योर होली फायर ऑफ माइंड एंड लेट इट बर्न योर सोल डर्ट डीप हीलिंग। यू नो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ अनफेयर क्यों है, और कहीं ना कहीं इस अनफेयर रीज़न का वजह है आपके पेरेंट्स। मैं देख सकता हूँ कि एक एक स्ट्रगल करने के बाद भी जब आप कुछ चीज़ होप कर रहे हो कि हाँ अब चीज़ें सही हो जाए, अब कोई पर्सन आपके साथ बात करे, अब कोई फाइनली रिप्लाई करे, बट उस जगह से कोई मुंह मोड़ ले रहा है। सो लाइक होते होते काम नहीं हो रहे, होते होते लव लाइफ सॉल्व नहीं हो रहे। तो कालाग्नि रुद्र काली आपको यही बोल रहे कि
प्रॉब्लम है कि आप हर सिचुएशंस के अंदर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, बट आप हर सिचुएशंस के अंदर खुद के मिस्टेक्स को नहीं देख कर रहे हो। लाइक यहाँ पे मिस्टेक्स यही है कि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और इसीलिए क्या हो रहा है कि सामने वाले पर्सन उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। इस टाइम पे कालग्नि रुद्रकालिया देख रहे कि आप इनोसेंट हो, और यू नो आप लोगों को, आप खुद की तरह लोगों को ट्रीट करते हो, समझते भी हो, किसी को बहुत ज़्यादा विश्वास किए थे और वो अपने विश्वास का रिटर्न नहीं किया, रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसलिए माँ बहुत गुस्से में है। किसी के ऊपर माँ बहुत गुस्से में है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वेल ये आपको बहुत स्ट्रॉन्गली ट्रीट करते हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे येस ऑफ कोर्स आपके सोल डर्ट रिमूव हो जा रहा है, सब सही है, बट ये एक्सपीरियंस आपके लिए एकदम डरावने जैसा है। लाइक आप डर रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आपको पेन हो रहा है, और माँ यही चीज़ बोल रहे हैं कि इस वक्त माँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डीप हीलिंग चल रहा है। कोई पर्सन ना आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा किए थे और माँ ने उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए आपके लाइफ से हटाया है, और तब जाके आपको डीप सोल रूट क्लीनिंग मिल रहा है। सो इस टाइम पे आपका सोल इवॉल्व हो रहे है। किसी पर्सन के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकता है, किसी का नेगेटिव एक्शंस आ सकता है, आप चिड़चिड़ा हो सकते हो, आपका मूड स्विंग्स हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अचानक आप गुस्सा कर सकते हो और उनका कुछ कार्टूज आपका सामने दिख जाएगा, पुराने फोटोज़ विजिबल हो सकता है, और हो सकता है आपने किसी के कॉन्टैक्ट डिलीट कर रहे हो या फिर फोटोज़ डिलीट किए हो क्योंकि आप तंग आ चुकी हो इस पर्सन से, इस पर्सन के झूठ से। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहे चिंतामणि काली माँ, क्योंकि माँ देख पा रहे कि यू नीड नॉट टू कैरी द बर्डन्स ऑफ योर थॉट्स, यू नो रिलीज योर एंग्शियस थॉट्स टू द डिवाइन मदर। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशंस अनइंटेंशनली आप सिचुएशंस के बारे में सोच रहे थे, लाइक सब सही है बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ तो गलत है, या फिर कोई पर्सन चीज़ों को छुपा रहे, कोई पर्सन आपके सामने पूरी चीज़ को नहीं बोल रहे, कोई पर्सन हाइड कर रहे। वेल यहाँ पे बात आते हैं कि देखिए इस वक्त कुछ ऐसा है कि हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आप तड़प रहे हो, और हो सकता है आप क्लूलेस हो, बट इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोल दिया है, या फिर हो सकता है कि आप एक डिवाइन साइन को गलत तरीके से लिए हो, बट जिस डर के बारे में आप सोच रहे हो वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ रिलेशनशिप में आपको डर लग रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर बुरा चीज़ हो जाएगा, या फिर आपके लाइफ में कुछ बुरा चीज़ होने वाला है, या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ये नहीं है। ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा है, या फिर आपके एंजाइटी, आपके नेगेटिव कॉर्ड्स बार बार एक नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में याद दिला रहे हैं, और वो नेगेटिव सिचुएशंस पास्ट में हो गया है, उसका रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। ऐसे चिंतामणि काली माँ आपको अश्योर कर रही है कि प्लीज़ दुश्चिंता मत कीजिए, ऐसे कोई बुरा चीज़ नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे मैसेज आ रहा है बृहस्पति काली माँ, यू नो यहाँ पे डायरेक्ट बात है कि योर हेल्थ ऑरा एंड स्पिरिट इज़ रिवाइटलाइजिंग। ये इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं माँ देखे कि एक वन साइडेड लव अफेयर में आप थे, या फिर ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर किया, यू नो आपने बहुत लड़े इस पर्सन को लेके, यू नो आप बचाने की भी कोशिश किए, या फिर आप रिलेशनशिप को सिक्योर करने की कोशिश किए, बट फाइनली क्या हुआ, हो सकता है कि ये पर्सन और आप दोनों अलग हो गए। सो नाउ आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये पर्सन अपने सोल जर्नी में बिजी हो गए, तो हो सकता है कि आप इस वक्त यू नो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपको शायद स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप सेपरेटेड हो, या फिर आप आपको नए पर्सन भी नहीं मिल रहे और पुराने पर्सन के पास भी आप नहीं जाना चाहते हो। इस टाइम पे कुछ ऐसे सिंगुलर जर्नी चल रहा है ना आपके सोल का कि कोई दोस्त नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप में से किसी लोगों के फाइनेंशियल फैक्टर्स ओपन हो जा रहे हैं, लाइक बहुत ही जल्दी आपको जॉब मिल रहा है, या फिर जॉब मिला है, आपको भी पता है कि हाँ जॉब तो ठीक है, वहाँ पे टाइम चले जा रहे हैं, बट जब भी घर आ रहे हो या फिर जब भी अकेले बैठ रहे हो तब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ आप हैंग आउट करें। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि ये सिचुएशन इसीलिए हुआ है क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ दूसरों के लिए किए हो, बहुत कुछ चीज़, वो फैमिली मेम्बर्स हो, वो दोस्त हो, या फिर लवर हो,
बट आपको कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपके सोल को सेपरेट करना ही था माँ को, नहीं तो आपको वो वाला स्ट्रांगनेस नहीं मिल पाता। तो अभी जो सिचुएशंस है, जो सॉलिट्यूड है, जो हर्मिट अवेकनिंग में बोल सकता हूँ है, ये आपको मेच्योर करे, स्ट्रांग करे। और यहाँ पे माँ आपको यही बोल रहे कि यही रियलिटी है, अगर आज आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, अगर आप आज अकेले रहना सीख नहीं जाओगे, या फिर आपको आदत नहीं पड़ जाएगा अकेले रहने का, तो फ्यूचर में जाके आप सिर्फ वैलिडेशन ढूंढते रहोगे, और कहीं ना कहीं ये जर्नी ऐसा होता जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ढूंढते ढूंढते ही आप एक ऐसे जगह पे चले जाओगे जहाँ पे आपको पार्टनर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना माँ आपको कंटेंट कर रहा है कि प्लीज़ मत और ढूंढो, ओके जो होगा आप माँ देख लेंगे। कहीं ना कहीं सोल के अंदर एक ऐसे वैल्यू आ रही है कि ठीक है अभी सोल के ऊपर फोकस करनी है, सोल जर्नी के ऊपर फोकस करनी है, लुक्स के ऊपर फोकस करनी है, वेट के ऊपर फोकस करनी है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करनी है। आई थिंक ये वाले जो थॉट्स प्रोसेस आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि माँ आपको पुश कर रहे कि आप खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए सोचो, सेविंग्स बढ़ाओ, या फिर जो चीज़ आप हमेशा करना चाहते तो वो चीज़ करो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, बट प्लीज़ डू नॉट लुक फॉर अनदर पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि अगर आपको कोई नए पर्सन नहीं मिल रहे तो स्टॉप लुकिंग फॉर, स्टॉप गोइंग सोशल मीडिया या फिर डेटिंग वेबसाइट से मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से आप नेगेटिव लूप में चले आओगे। तो क्या हो रहा था कि आप एक ही गेम खेल रहे थे बट हर टाइम पे रॉन्ग पर्सन्स आ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत सारे रॉन्ग लोगों के साथ इनकाउंटर्स हुआ और फाइनली माँ देखे कि अब अगर आज आप अभी भी कोई नए रॉन्ग पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो सेम सिचुएशंस ही होगा। तो आपके लिए कार्मिक रिलीज करवा रही है वास्वती माँ, साथ ही साथ आपके सोल को रिवाइटलाइज कर, रीअवेकनिंग हो रहा है। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं कि रुद्र काली माँ, एंड रुद्र काली माँ आपको बोल रहे हैं कि योर बिगेस्ट एनिमी इज़ योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर। सो लाइक आपका बिगेस्ट एनिमी में ये डेफिनेटली डर तो है ही, बट ये डर किस लिए है? देखिए क्या है कि यहाँ पे एक ज़ीरो फोबिया का एनर्जी आ रहा है। ज़ीरो फोबिया क्या है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तब भी आपको बुरा महसूस होता है कि अब कुछ गलत हो जाएगा और सब चीज़ ख़राब हो जाएगा। सो क्या हो रहा है कि आप ना प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। हमेशा क्या हो रहा है कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हो। तो इस वक्त ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिचुएशंस कंट्रोल करना है। वेल, जो भी आपका नेगेटिव नोशंस आ रहे हैं आपके मन में, ये आपके अंदर के छुपे हुए फियर क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शैडो वर्क की ज़रूरत है। शैडो वर्क मतलब क्या है, जब आप मेडिटेट करोगे, कोई भी कैंडल जला के हो या फिर माँ के सामने हो या फिर खुले आसमान के नीचे हो, तब आप देखोगे कि आपके एक अलग एंटिटी है और जो एंटिटी एक एक पर्टिकुलर एज में फंसा हुआ है या फिर पर्टिकुलर टाइम में फंसा हुआ है और आप अलग हो, तब जाके अगर आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे, लाइक जो चीज़ का डर है उस चीज़ को आप लिखोगे या फिर कम्युनिकेट करोगे विजुलाइज करते करने के टाइम पे, या फिर अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे भी आप चीज़ों को लिखोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने डर को रिलीज़ कर पाओगे। हाउ टू रिलीज योर फियर, ए बाय राइटिंग दैट फियर कि आपको किस चीज़ का डर है, बी आपको माँ से डायरेक्ट बात करना है, सी विजुलाइज करके जो टाइम में आप फंसे हो उस टाइम को अलग करके रखना है, एंड उस टाइम के साथ आपको कंटिन्यूसली बात करना है कि क्या क्या डर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या गलत चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब भी वो गलत चीज़ को आप लिख डालोगे डर खत्म हो जाता है, सिंपल बात है। तो रुद्राकाली में आपको इस तरीका अपनाने के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ बात कीजिए खुद के साथ, क्योंकि इतना कुछ चीज़ आप हाइड करके रखने हो ना कि आपका सोल का तकलीफ बढ़ रहा है, आपका दर्द बढ़ रहा है। किसी के लिए आप बहुत चिंतित हो बट उसको आप ये जता नहीं रहे हो। किसी के फ़ोन क्यों ऑफ है, क्यों कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में हो, ओके ख़राब भी लग रहा है, बट आपका चिंतित आप इसीलिए हो कहीं उसका कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं उसका तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं बात भी नहीं हो रहा है, आप खुश भी नहीं हो, वो भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर बात आती है कि सीखिए कि कुछ टाइम के लिए आप अपने डर को हटाइए, डर को बीट कीजिए। आपका भी लाइफ है, आपका भी काम है, आपका भी सोल पर्पस है। अगर आप पूरे टाइम दूसरे पर्सन के लिए अनकंडीशनल रहोगे तो आप अपने सोल जर्नी में पीछे चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं फोकस होनी हो सोल जर्नी। सेकेंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है अघोर काली माँ के, और यह है फाइंड होलीनेस इन एवरीथिंग, यू आर काली एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। तो हाईएस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म, तो क्या है कि अगर आपको कुछ गिल्ट फीलिंग हो रहा है
पर्टिकुलरली कोई फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच के, तो माँ आपको बोल रही है कि हर चीज़ ख़राब नहीं होता है। सो लाइक अगर आप खुद को बोल रहे हो कि मैं बहुत लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट हुआ हूँ, या फिर मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी शादीशुदा पर्सन को प्यार कर रहा हूँ, या फिर अगर आपको एक मैरिड पर्सन के साथ आप ना चाहते हुए भी जुड़ गए हो, और अभी अगर आपको लगता है कि नहीं शायद आप किसी के घर तोड़ रहे हो या फिर आपकी वजह से किसी के लाइफ का प्रॉब्लम हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। माँ आपको बोल रहे कि हर चीज़ होता है कुछ रीज़न के वजह से, कहीं ना कहीं आप दोनों स्टार सीड थे और इसीलिए आप दोनों मिले हो। तो डेफिनेटली आप जिस मैरिड पर्सन के साथ हो, इसके साथ आपका एक लाइफ लॉन्ग नाता रहेगा, बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस ट्विन फ्लेम में होता है। ट्विन फ्लेम बहुत ही जल्दी भयानक रूप ले लेते हैं, उसके बाद ही बहुत जेंटल वे में ये सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो इस वक्त अघोर काली माँ आपको बोल रहे कि प्यार का एक रुद्र रूप भी है, प्यार का एक सॉफ्ट रूप भी है। ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा आपके प्रेडिक्शंस के वाइज या फिर प्रेडिक्टेबल वे में आगे बढ़ेगा। इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इस टाइम पे आपके पर्सन शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको डरा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या फिर आपके वजह से किसी के घर टूट गया, या फिर कोई आपका घर को बर्बाद किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब सही है, सब ठीक हो जाएगा। आप वेट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि समय को कंट्रोल हम कोई नहीं कर सकता है। अगर आप समय को कंट्रोल करने के लिए जाओगे तो समय अक्सर आपको बुद्धू बना देंगे। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में आप भाग नहीं सकते हो, बट इस सिचुएशंस में आपको वेट करने के सिवा और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं अगर नो कॉन्टैक्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ एक चीज़ समझिए कि जब तक ना सही टाइम आएंगे, तब तक माँ किसी को आपके लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे। द नेक्स्ट गाइडेंस इज मृत्यु काली माँ। यहाँ पे बात आते हैं कि यू आर अवेकेंड, चेरिश योर लाइफ विद अ न्यू होप, यू आर न्यू नाउ, रेक्टिफिकेशंस एंड मेंटेनिंग बैलेंस। तो कहीं ना कहीं अगर एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो कुछ गलत किए थे, वो आपको छोड़ के गए थे, या फिर वो हमेशा से ही सोच रहे थे कि शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, तो मृत्यु काली माँ है कि उसको जजा रहे, उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाए है माँ कि वो आपके लिए बने हैं और आप भी उनके लिए। तो बिछड़ने के बाद माँ आपको एक नए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और ये नए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं कि एक पुराने पर्सन एक नए पर्सन दोनों आपके साथ आ रहे हैं। और इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक नए पर्सन हो ऑल टुगेदर, ना आप पुराने को छोड़ के नए को पकड़ सकते हो, एंड ना ही आप नए को कंप्लीट इग्नोर करके पुराने के पास जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो लाइफ को एक्सेप्ट करो द वे इट इज़। ये चीटिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं खुद को एक बार मौका दो दोनों सिचुएशंस को समझने के लिए। बहुत ही जल्दी कुछ डिसीशंस मत लो। सो अगर आप मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाने के लिए सोच रहे हो, प्लीज़ यहाँ पे कोई भी पर्सन को चूज़ करना नहीं है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना है, रादर एक्सपीरियंस करना है। कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप मत लो। आप नए हो, और हो सकता है कि बहुत आने वाले टाइम पे एक चेंज आ रहा है, तो जो डिसीशंस लेंगे इन लोगों को लेने दीजिए, आप खुद डिसीशंस मत लीजिए। सेकंड आ रहा है ईशान काली माँ। नाउ योर डार्केस्ट एग्जैक्टली योर डार्केस्ट नाइट इज एंडिंग एंड यू विल फाइंड फ्रीडम, शिव शक्ति अवेकनिंग एंड न्यू बिगिनिंग। तो कहीं ना कहीं ईशान काली माँ इज एन इंडिकेशन दैट कि फाइनली आप अपने डार्क नाइट को एंड किए हो, तो डिवाइन यूनियन हो रहा है। तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पर्सन को, रिकन्सिलिएशंस को, रिलेशनशिप को, शादी को, और यहाँ पे जो सेक्सुअल है वो एक स्पिरिचुअल सेक्सुअल एनकाउंटर आप करोगे, तो कुछ चीज़ डिवाइन के हिसाब से बना हुआ है। वैसे ही आप एक डिवाइन रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हो, कोई पर्सन धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई पर्सन आपको अब्जॉर्व कर रहे हैं, ना आप भी किसी पर्सन को अब्जॉर्व कर रहे हो। ना यहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं बोला हूँ, अब्जॉर्व मतलब उसके डीटो कॉपी आप बन रहे हो। लाइक वो जिस तरीके से सोच रहे हैं, कभी ऑन होते हैं कभी ऑफ होते हैं, क्या किस टाइम पे क्या रूटीन फॉलो करते हैं, ये सब आपको याद आ रहा है, और आप उनके जैसे बन रहे हो, और ये भी आपके जैसे बन रहे हैं। तो ये एक सेक्सुअल इनकाउंटर भी है, ये एक स्पिरिचुअल मिररिंग भी आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे पर्सन के थॉट्स को पढ़ पा रहे हो, आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन में बदल रहे हो, और हो सकता है आप दूसरों के लिए हीलिंग भी करते हो, और आप एक सक्सेसफुल रीडर भी हो, या फिर हो सकता है आप एक बहुत रिनाउंड स्पिरिचुअलिस्ट बनेंगे, क्योंकि ये ईशान काली माँ है और ये लिटरली आपको फाइनली आपके गोल के करीब लेके आ रहे हैं। और आपका गोल है कि किसी को पाना, या फिर अपने लाइफ को एक दूसरे मौकाम पे लेके जाना। तो कहीं
ना कहीं आप अपने सोल जर्नी के एक ऐसे जगह पे आए हो जिसके बाद विक्ट्री है, बहुत स्ट्रगल किए हो, रिलेशनशिप खो गए थे, रिलेशनशिप बिखर गया था, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, यहाँ से आप एक रिलेशनशिप को सिक्योर कर रहे हो। तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड आपको पता चल रहा है कि आप आकर्षण में माहिर हो, लाइक ये वशीकरण नहीं है, यू आर लिटरली मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन समवन्स माइंड, लाइक किसी के मन में आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किए हो। कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऑब्सेसिव सोच रहे हैं और ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। तो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है ईशान काली माँ की तरफ से कि वट एवर योर इंट्यूशन इज सेइंग इट्स ट्रू, लाइक येस वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको मिस भी कर रहे, हो सकता है इसके सपने आप देखे हो या फिर इसका नाम चारों ओर घूम रहा है या फिर इसके नाम आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। पहले ये पर्सन बहुत अलग होता था, लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हुआ करता था, अभी एक कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन है। उसके बाद है रक्ता कालिमा, यह डेफिनेटली आपको बोल रहा है कि एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन योर ब्लड, रेज योर हाई वाइब्रेशंस, पैशनेट यूथफुल एक एनर्जी। सो यहाँ पे बात आते हैं कि जब आप अपने ओरिजिनल फ्लो में रहते हो उस टाइम पे अगर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आप दिख जा मतलब आपके सामने आ जाता है तो आप बहुत ओपनली इस ऑब्स्टिकल्स के विरुद्ध जाते हो एंड कहीं ना कहीं बात भी करते हो। तो बात जब आते हैं फ्रीडम के, सो प्लीज़ चूज़ योर वर्ड केयरफुली, क्योंकि मतलब जोश में होश मत खो जा, मतलब खो बैठो। यहाँ पे है कि कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एनर्जी, कंट्रोल योर बैलेंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फील कर सकते हो, बहुत हाईली सेक्सुअल अर्जेस में फील कर सकता हूँ आपके तरफ से किसी का है। और यहाँ पे अगर कोई आपको बहलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकते बहकाने की कोशिश कर सकते हैं कोई, और यहाँ पे एक चांस है कि आप बहक भी जा सकते हो। सो प्लीज़ अपने वाइब्रेशंस को हाई करो, जहाँ पे भी आपका लग रहा है कि जिस्मानी बातें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर आपके मन बार बार सेक्सुअल थाट्स बार बार चले आ रहा है, तो प्लीज़ इस टाइम पे उसको कंट्रोल करो, क्योंकि ये ही आपके वीक पॉइंट है या फिर कोई पर्सन आपको सोचने में मजबूर कर रही है। तो इस टाइम पे अगर उस थॉट्स को अगर आप बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो तो आपको एक डिवाइन यूनियन समझ में आएगा कि इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग ईच अदर। काइंड ऑफ ये रियलाइजेशन है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और कोई पर्सन को अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि सेक्स तो एक छोटू सा पार्ट है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना, एक डिफरेंट किस्म की यूनियन क्रिएट करना एंड एक डिफरेंट किस्म के एस्टेसी को फील करना। सो यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि सामने वाले पर्सन कितना भी कुछ आपको बहकाए बहलाए, डोंट गेट कैरिड अवे ईजीली, ओके। तो प्लीज़ आप अपने बात को कंट्रोल कीजिए, जब भी कोई ऐसा आपको आ रहा है कि अगर आपका मन बार बार उसी तरफ जा रहे तो प्लीज़ अपने मन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हाई सेक्सुअल अर्जेस आप फील कर सकते हो। नाउ द थिंग इज के यहाँ पे तीन मैसेज है फॉर योर एक्शन, यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड, यू कैन बी जेंटल and also can be ruthless and your soul needs a balance, focus on the momentum. संहार काली, श्यामा काली एंड सृष्टि काली, ये डेफिनेटली एक ही मैसेज आपको दे रहे हैं, वो है कि जब आप एक लूप में चलते हो कि किसी पर्सन बार बार एक ही फॉर्म में आ रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट मैसेज देखे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई क्यों इतना बार आपको एक चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, बिकॉज उसको कुछ चाहिए और वो चीज़ क्या है आपको भी पता है। तो इस चीज़ को अगर आप पसंद करते हो, एक्सेप्ट करते हो तो आप जाइए, बट अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको मान लेना है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। बात क्या हो रही है कि आपको पता है कि ये पर्सन बहुत जिस्मानी है और यू नो आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, ख़राब चीज़ के लिए, ख़राब अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, लाइक सेक्सुअल मीटअप के लिए। और हो सकता है कि यहाँ पे आपको भी पता है कि ये पर्सन मनी मांग रहे हैं या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ऐसा है कि आपको कुछ अलग चीज़ चाहिए बट आप उस चीज़ को नो नहीं बोल पा रहे हो, तो प्लीज़ से नो, ओके। अगर आपको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है और उसके बावजूद भी आप चुप रह रहे हो, नो ऐसा सही नहीं है। कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सोल जो चाह रहे हैं उस चीज़ को आपको सुनना ही है, उस चीज़ के
सुन के आपको एक्शंस लेना है. लाइक इफ योर सोल वांट्स अ पीस देन यू नीड टू लुक फॉर पीस. आप अपने सोल के विरुद्ध जाके कुछ नहीं कर सकते. सो मन से आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनो. प्लीज़ अपने इंट्यूशंस को ठुकराइए मत. कहीं ना कहीं आपको पता है कि सामने वाले पर्सन ईजीली आपको बहका रहे हैं और यू नो आप इस पर्सन को नो नहीं बोल पा रहे हो. ऊपर से इससे आपका तकलीफ भी बढ़ रहा है. सो आपका स्टडी या फिर करियर या फिर लाइफ का और जो एस्पेक्ट्स है उस पर ध्यान नहीं जा रहे, सिर्फ इस पर्सन के ऊपर ध्यान जा रहा है. तो प्लीज़ संहार कालिमा, ब्रेक द ट्रैप. बार बार आप एक ही जोन में क्यों जा रहे हो? व्हाई यू आर सो मच वॉन्ट ट्रैक. ओके, सेकेंड, यू कैन बी जेंटल एंड कैन बी रूथलेस. लाइक अगर आप को लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए, सो ब्रेक ले लीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक में हो, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है. नाउ श्यामा काली माम ऑल्सो मीन्स कि अगर आपको लगता है कि दूसरे पर्सन के चांस देना चाहिए या फिर नए कम्युनिटी बनाना चाहिए या फिर लोगों के सामने आके आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, बहुत दिन हो गया है किसी के साथ आप नहीं गए हो या फिर आपके फ्रेंड्स लोग आपको बुला रहे, तो प्लीज़ यू शुड लिसन टू योर फ्रेंड, यू शुड लिसन टू दोज पीपल, those who are trying to help you, like जो आपको help करना चाहते हैं, please उन लोगों को सुनिए, सोचिए. and at the same time यहाँ पे जो भी सलाह, जो भी guidance आपको मिल रहा है, ये आपके अच्छे के लिए ये लोग आपको बोल रहे हैं. and last सृष्टि गाली, your soul needs a balance and focus on the momentum. कई बार क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, कई बार क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो. तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है. वो डिसिप्लिन आप रोज़ तय कर रहे हो बट रोज़ ही ब्रेक कर रहे हो. तो योर सोल इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ को मान के चले और कौन सी चीज़ को नहीं. इसका एक ही रीज़न हो सकता है, अभी भी आपको वो ट्रूथ नहीं मिला है. जीवन का सच किसी से आपको नहीं मिल सकता है, किसी गूगल किसी बुक से नहीं मिल सकता है. ये सिर्फ आप ही रियलाइज़ कर सकते हो एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ. इसीलिए क्या हो रहा है, ना आपको सच समझ में आ रहे हैं, ना ही आपको दूसरों का बात समझ में आ रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि आप बहुत ही अजीब तरीके का डिप्रेशन में फंस रहे हो. तो पहले आप एक चीज़ डिसाइड कीजिए और डिसाइड करने के बाद आप दो तीन दिन उसी डिसीजन पर अड़े रहिए. तब जाके जो जो फील हो रहा है उस चीज़ को नोट करके रखिए और जो चीज़ नहीं फील हो रहा है उस चीज़ को भी नोट करके रखिए. एंड देन तीन चार दिन के बाद आपको डिसीशंस लेना है कि क्या वो तरीका सही था. अगर सही था तो डेफिनेटली उस तरीका को फॉलो करते रहिए, अगर नहीं था तो प्लीज़ और एक बार चेंज कीजिए. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ज़्यादा सैड, ये बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रह सकते हो. कहीं ना कहीं एक मॉडरेट अप्रोच, खाने का टाइम, सोने का टाइम, एट द सेम टाइम डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. कुछ रूटीन, वर्क लाइफ बैलेंस शायद मिसिंग था, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन क्लू क्या मिल रहा है आपके लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या क्लू मिल रहा है यूनिवर्स. डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई क्लू, डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई क्लू. ओके, डिवाइन फेमिनाइन का क्लू यही है, क्रिएट योर ओन रिचुअल बाय योर ओन सोल, नॉट बाय योर आईज. दैट्स व्हाट आई सेड, कि आपको अपना रिचुअल क्रिएट करना है, ना ही गूगल ना ही बुक्स से आपको कुछ मिलेगा. सो डेफिनेटली कुछ ऐसे चीज़ कीजिए जो सिर्फ आप कर पाते हो, जो चीज़ सिर्फ आपको समझ में आता है, दूसरों को नहीं. ना ही आपको दूसरों को फोटो सेंड करना है, ना ही आपको बोलना है कि मैंने आज ट्राई किया ये वो. ये सिर्फ खुद के साथ एक्सपीरियंस कीजिए और सारे एक्सपीरियंस लिख कर रखिए. लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डिवाइन फेमिनाइन के साथ कौन सा एनर्जी जुड़ा हुआ है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ कौन सा एनर्जी जुड़ा हुआ है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ कौन सा एनर्जी जुड़ा हुआ है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ कौन सा एनर्जी जुड़ा हुआ है. ओके, डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ जुड़ा हुआ है कुब्जी का माँ. अगेन फिक्स्ड फीलिंग, अगेन बार बार पास्ट के प्रति मन जा रहा है एंड किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हो. मटेरियलिस्टिक सक्सेस, मटेरियलिस्टिक गेन, शादी, सेक्सुअल थॉट्स, ये काइंड ऑफ यही एनर्जी आपके साथ जुड़ा हुआ है. सो कुब्जी का माँ जब आता है तब आपको रूट पे जाने के लिए बोले. इसीलिए मैं बार बार बोलो कि अपना रिचुअल खुद क्रिएट कीजिए, सोल डर्ट को क्लीन कीजिए. जो चीज़ आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा, बट समय हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो समय को समझिए. नाउ लास्ट सेगमेंट, डिवाइन टिकट्स. इस टाइम पे आपके लिए क्या टिकट्स आ रहे हैं, डिवाइन टिकट्स. ओ माई गॉड, पहला टिकट यहाँ पे मिल गया है. Sometimes saying no is actually saying yes to your soul.
समटाइम्स सेइंग नो इज एक्चुअली सेइंग यस टू योर सोल. तो बाहर की दुनिया को नो बोलो एंड सोल को यस बोलो. आई थिंक अगर कोई चीज़ को नो बोले हो आप, किसी पर्सन को नो बोले हो आप सही किए हो. ओके, ये एक सही टिकट है, एक यस का टिकट है. और इसका मतलब ये भी है कि जो कनेक्शंस को आप पहले से ही पता है कि वो उससे आप हिट नहीं करोगे, उससे आप क्लिक नहीं करोगे, सो प्लीज़ उस कनेक्शंस को नो बोलो, उस बर्डन्स को हटाओ. उतना ज़्यादा दोस्त, उतना ज़्यादा कम्युनिटी, उतना ज़्यादा प्रेशर आपके लिए सूटेबल नहीं है. ओके, से नो टू दोज पीपल, दोज हु आर नॉट मेंट फॉर यू. से यस टू दोज हु आर रियली स्पेशल. ओके, तो सब ग्रुप्स एक नहीं है, कोई ग्रुप स्पेशल है, कोई ग्रुप नॉट दैट स्पेशल. इसको चुनिए कौन आपके स्पेशल है और कौन नहीं. और कोई डिवाइन टिकट मिल रहा है? और कोई डिवाइन टिकट? ओके, यहाँ पे है कि यू आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम अ ट्रॉमा. ओके, ट्रॉमा से आप रिलीज हो रहे हो. सो यू नो यू वेयर ट्रॉमाटाइज्ड, हो सकता है बहुत ट्रॉमा था, बहुत डर था वहाँ से. एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, यू आर अलाउड टू रिसीव वंडरफुल ब्लेसिंग्स. तो आई थिंक कोई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड किसी को नो बोल के कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ के ब्लेसिंग्स मिल रहा है. हो सकता है एक ऑप्शंस आपको यूनिवर्स प्रोवाइड किए थे बट आपने यूनिवर्स को बोले हो कि नहीं, आई डिजर्व बेटर देन दिस एंड देन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग. सो समथिंग डिड नॉट वर्क, कुछ चीज़ वर्क नहीं किया बट अब जो होगा वो वर्क करेगा. आई थिंक कुछ बहुत बढ़िया ऑप्शंस, कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे. ऑल द वेरी बेस्ट. आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डिवाइन विक्ट्री यूनिवर्स. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.